बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपने मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाता और उससे पैसे कमाता था। धीरे धीरे उसका खेत बड़ा होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो मेरे साथ मेरे इस खेत को संभाले, उसकी रक्षा करे। तो उसने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि तुम्हें खेत के बारे में क्या पता है, तुम कैसे मेरे खेत को संभालोगे। तो बहुत सारे लड़के ने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन उससे किसी का जवाब पसंद नहीं आया तो उसने किसी को सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम्हें क्या पता है और तुम कैसे मेरे खेतों की सुरक्षा करोगे। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। अब ये जवाब तो बहुत अटपटा सा था, लेकिन फिर भी उसके इसी अटपट उसे समझ नहीं आया, किसान को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन उसने सोचा कि कुछ अच्छा होगा, तो इसके अटपटे जवाब के कारण उसे उसने काम पर रख लिया। फिर एक रात एक बहुत तेज़ तूफान आई तो किसान उठता है, देखता है कि अरे वो लड़का कहाँ है, खेतों की सुरक्षा नहीं कर रहा है। तो वो दौड़ते दौड़ते जाता है उस लड़के के पास जिसे उससे काम पर रखा था। तो वो जाता है और देखता है कि वो सोया हुआ है, तो उसे उठाता है, बोलता है अरे उठ, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरा काम क्या है। तो वो लड़का उठता है और बोलता है कि अरे मैंने तो कहा ही था कि अगर जब भी तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा और मैं वही कर रहा हूँ। तो किसान बोलता है अरे यार ये किस आदमी को मैंने काम पर रख लिया है जो कि काम ही नहीं करता। तो किसान सोचता है कि अभी मैं इसे उठाने जाऊंगा, ये जगेगा, ये जाएगा, इतनी इससे अच्छा है कि मैं खुद ही जाकर अपने खेतों की रक्षा करता हूँ। तो किसान जाता है और जाते ही वहाँ देखता है कि उसके जो भी खेत थे सब अच्छे से ढके हुए हैं, सब जानवर अच्छे से बांधे हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उतने में ही वो लड़का आता है और बोलता है कि तुम जाकर सो जाओ, मैंने सारा काम सही से कर लिया है। तब उस किसान को ये बात समझ में आती है कि इसने उस वक्त क्यों कहा था कि जब भी तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। इसका मतलब दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि हमें परेशानी आने के वक्त हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें काम परेशानी आने से पहले ही कर लेना चाहिए ताकि हमें मुसीबत का सामना करना ना पड़े। दोस्तों इस कहानी के जरिए जो मैं आपको समझाना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता था। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी 1% भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।